नमस्कार, एफएमजेड न्यूज इंडिया देख रही सब दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती आपके साथ। शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। आतंकी पन्नू की पंजाब सीएम को धमकी, तिरंगा फहराने। बठिंडा आए तो आरपीजी अटैक करेंगे। सीआईएसएफ कैंपस, एनएफएल की दीवारों पर खालिस्तानी नारे भी दिखे। विधानसभा में पेपर लीक मामले की नहीं होगी सीबीआई जांच। धारीवाल ने कहा 8 साल तो इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हो जाएगा। चंडीगढ़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मिला संदिग्ध बैग, टिफिन और बोतल मिली। चंडीगढ़ मंदिर से आर्मी की टीम पहुंची, हाई कोर्ट में भी अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर समेत 5 राज्यों में कांपी धरती। 30 सेकंड तक महसूस हुए झटके, तीव्रता 5.8 नेपाल में था भूकंप का केंद्र। सूरत में दिल दहला देने वाली बड़ी घटना, कार ने बाइक सवार कपल को दी टक्कर फिर घसीटा। एक्सीडेंट के बाद पत्नी पति को खोजती रही, दूसरे दिन 12 किलोमीटर दूर लाश मिली। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मिली हत्या की धमकी। भाई से फोन पर कहा उसके परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो, आज रायपुर से धाम आएंगे। शास्त्री सरकार ने बृजभूषण शरण की जांच मैरीकॉम को सौंपी। खेल मंत्रालय ने निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया। आईओए कमेटी की चीफ भी हैं बॉक्सर मैरीकॉम। आप सरकार ने वन नेशन इलेक्शन का किया विरोध, केंद्र के प्रस्ताव को बताया गैर संवैधानिक, कहा ये लोकतंत्र के लिए खतरा। यूक्रेन को मिलेगा खतरनाक टैंक लेपर्ड, जर्मनी की मंजूरी के बाद पोलैंड करेगा डिलीवरी। जंग में रूस के टैंकों पर भारी पड़ेगा। अमेरिका में एक दिन में 3 जगह शूटिंग, 11 लोगों की हुई मौत। कैलिफोर्निया में 7, शिकागो में 2 की मौत। आयोवा में 2 स्टूडेंट्स की गई जान। देखिए प्रतिखाद 10 बड़ी खबरें, कल फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए एफएमजेड न्यूज इंडिया।